जब से यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं और इस बार इन सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी भी अकेले ये चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बीएसपी ने यहाँ काफी समय से एक आदि उपचुनाव को छोड़कर अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े हैं। तब से खासकर ये दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी व सपा तथा इनका गठबंधन अभी तक इन चुनावों में जो भी बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो अभी तक इन चुनावों में अंदर अंदर आपस में मिल बांट कर ये चुनाव लड़ते रहे। लेकिन इस बार हो रहे उपचुनाव में जब बीएसपी भी मैदान में डटी हुई है, तो अब इन दोनों पार्टियों में इनके गठबंधन की काफी परेशानियां बढ़ गई है। जिससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है। जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। हालांकि प्रदेश में विकास व कानून व्यवस्था के मामले में बीएसपी के रही सरकार की तुलना में बीजेपी की वर्तमान में चल रही सरकार से व इसके पूर्व में सपा के रहे शासनकाल से भी जनता को ये जरूर सोचना चाहिए कि इन तीनों में से केवल बीएसपी का ही शासनकाल काफी बेहतरीन रहा। ऐसे में इनको ये हवा हवाई नारों ऐसे में इनको प्रदेश की जनता को इनके ये हवा हवाई नारों व पोस्टरबाजी आदि के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए अपनी कमियों की वजह से ही अब बीजेपी के लोग ये नारा लगाकर उपचुनाव में वोट मांग रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं, तथा वही सपा के लोग भी ये नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जबकि इनकी आड़ में ये दोनों पार्टियां यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रही है। इन नारों की आड़ में तो ये दोनों पार्टियां और इनके गठबंधन यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं, जिनसे इन सीटों के वोटरों को मतदाताओं को सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये केवल अपनी कमियों पर से ध्यान बांटने के लिए इस किस्म के ये नारेबाजी कर रहे हैं, पोस्टरबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।